हमारे साथ अब ट्रेडबुल्स ग्रुप के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राजन शाह जुड़े हैं। राजन, स्वागत है आपका। हमारे टेक्निकल एनालिस्ट तो अपने लेवल्स देख रहे हैं, लेकिन एक फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पे क्या आप कोई ऐसी वजह देखते हैं कि बाजार हाल की जो रेंज है कि ऊपर नीचे होता रहता है पर नेट नेट बुलिश बना हुआ है, वो ट्रेंड कहीं बदल जाए, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा इंडिकेटर या वैल्यूएशन कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? गुड आफ्टरनून प्रदीप। ट्रेंड तो बदलने नहीं वाला है, 7 साल की तेजी हम क्लियरली देख रहे हैं, लेकिन ये मार्केट में करेक्शन आपने कहा 7 साल की तेजी? हाँ, 7 साल की तेजी। और शुरू कब हुई? शुरू अगस्त 2013 में हुई है तो 2020 और यहाँ से 7 साल लंबी तेजी है, बिकॉज 2 साल ये गवर्नमेंट के बाकी है। और एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर हम देखेंगे मई 2019 में, जब हमारी उम्मीद है कि वापस नरेंद्र मोदी जी बहुमत के साथ आएंगे, तो उसके बाद 5 साल भी हमें तेजी लग रही है मार्केट में, बिकॉज ओवरऑल ये गवर्नमेंट काम कर रही है और उसका रिजल्ट हम देखेंगे ये बुल मार्केट में। लेकिन प्रदीप, यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा कॉशन एडवाइस करना चाहूँगा। दिसंबर एंड में जो हमने तेजी की शुरुआत देखी ये डीमोनेटाइजेशन के मुंह के बाद, तो उसमें काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज 30% से लेके 50% बढ़े हैं। तो पैसा बनाना इतना इजी नहीं है। 50% जब आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली एक कंसोलिडेशन होता है या फिर एक छोटा सा करेक्शन भी होता है। तो मुझे लग रहा है ये करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ा सा स्लाइड होगा मार्केट, 5 से 10% की गिरावट हो सकती है मिड कैप्स में, और मेरे ख्याल से वो हेल्दी होगा। उसके बाद वापस मूव चालू होगी, मॉनसून नॉर्मल रहने वाला है, जीएसटी भी पॉजिटिव है, और मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद हम देखेंगे कि काफ़ी सारी पॉजिटिव कमेंट्रीज भी काफ़ी सारे मैनेजमेंट से चालू हो जाएगी। तो ओवरऑल नेट नेट सिनारियो अच्छा ही है, लेकिन हाँ, पिछले लगभग 1 महीने से मार्केट ये रेंज में है और अभी थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है और ये आज थोड़ी एक्सेलरेट हुई है, तो मुझे लग रहा है कि 5 से 7% से लेकर 10% तक का कट हम मिड कैप्स में देखेंगे। ओके, आप कह रहे हैं और गिरावट आ सकती है मिड कैप्स में, लेकिन राजन, अगर आप कह रहे हैं ये 7 ईयर तेजी का दौर है, टाइम एंड अगेन अलग अलग सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे, लीडरशिप लेंगे, इस समय थोड़ा सा असमंजस है कि लीडरशिप कहाँ से आएगी। अब तक तो हमने देखा मिड कैप्स का बोलबाला रहा है, वहां पर अगर लोग मुनाफा वसूली करने लगेंगे तो पैसा शिफ्ट होकर जाएगा कहाँ। आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेगी, कौन सा क्षेत्र शायद लीड कर सकता है यहाँ से आगे के मूव को? देखिए हर्षिता, एक्चुअली एक जबरदस्त तेजी है, उसमें हमने देखा है कि काफ़ी एक सेगमेंट है जो ओवर वैल्यूड है, जैसे कि मैंने आपके चैनल पे और बाकी भी चैनल पे पिछले लगभग 15 दिन से मैं कह रहा हूँ कि रिफ्रेन फ्रॉम मोमेंटम एंड फैंसी स्टॉक्स, बिकॉज काफ़ी सारे स्टॉक्स है जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज 50 के प्राइस अर्निंग पे मिल रहे हैं, हिंदुस्तान लीवर भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है नो डाउट, लेकिन अगर आप देखो तो अगर आप उसे 1100 रुपये में खरीदते हो तो कितना कमाती है, 20 रुपये कमाती है, तो यील्ड जो है वो 2% है। कोलगेट देखिए, आज करीबन 1125 का भाव है, 1125 में लेते हो तो कंपनी कमाती कितना है, तो उसका भी यील्ड अगर देखो तो 2% का ही है, 21 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, तो 2% का यील्ड है। तो ऐसे स्टॉक्स खरीदो जहाँ पे अभी रिस्क लो है, रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है, और ऐसे अपॉर्चुनिटी आज भी मार्केट में है। मिड कैप बढ़ गए इसका मतलब ये नहीं कि सब भी मिड कैप बढ़ गए। आज अगर आप देखो तो टैक्स मैको रेल पिछले 3 साल से चला नहीं है, ऊपर में 150 का भाव था, आज करीबन 86 रुपये का भाव है। रेलवे में हमें लग रहा है कि आने वाले 7 साल में कम से कम 10 लाख करोड़ का कैपिटल कैपेक्स करेगी रेलवेज, इंडियन रेलवेज। तो मुझे लग रहा है ये कंपनी जो है कंप्लीट रेल सॉल्यूशन कंपनी है, जो लेइंग ऑफ ट्रैक्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, वैगन्स, कोचिज, रेलवे ब्रिजेस, ये सब चीज में प्रेजेंट है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहने वाला है। 1900 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है और ये स्टॉक चला भी नहीं है। तो ऐसी कंपनियां में अगर आप निवेश करते हो तो आपका रिस्क भी कम है, हो सकता है 5% यहाँ से गिरे, लेकिन अपसाइड हमें क्लियरली 2 साल में 100% से ज़्यादा नजर आ रही है। वैसे ही दूसरी कंपनी मैं देख रहा था एचटी मीडिया, स्टॉक चला ही नहीं है, डीमोनेटाइजेशन के वक्त पे इसका भाव था करीबन 75 का, आज करीबन 82 रुपये का भाव है। अगर आप इसका इसके सब सेगमेंट्स ब्रेक करते हो, अभी आप देखिए ENIL एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड, वो रेडियो मिर्ची उसका ये है, तो ये कंपनी रेवेन्यू दिखाती है 575 करोड़ का और मार्केट कैप है 4,500 करोड़, यानी 1 टाइम द सेल्स मिल रहे हैं। दूसरी कंपनी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई, 275 करोड़ का रेवेन्यू है,
इसका, रेडियो सिटी चलाती है और इसका मार्केट कैप है 2000 करोड़, यानी 7 times द सेल्स। अभी हिंदुस्तान एचटी मीडिया, इसके पास है रेडियो फीवर 104 और रेडियो नशा, जिसका रेवेन्यू है करीबन 158 करोड़ का। तो अगर इसे आप 7 times द सेल्स देखो तो इसका ही वैल्यू 1000 करोड़ हो जाता है। इसका मार्केट कैप है 1900 करोड़, उसके से 600 करोड़ आप कैश निकाल दो तो 1300 करोड़ में से ये रेडियो नशा और रेडियो फीवर निकालते हो तो 300 करोड़ में आपको हिंदुस्तान टाइम्स, बाद में मिंट और 74% होल्डिंग हिंदुस्तान में, जो नंबर 1 है बिहार में और झारखंड में और नंबर 2 है यूपी में। तो ये सब चीज में बहुत ही सारी वैल्यू है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड जबरदस्त हो सकता है इसमें, जब बस आपको लेके पेशेंस रखना है और आप शॉर्ट 100% से ज्यादा रिटर्न बनाओगे। इन स्टॉक्स में ना एक दिक्कत है, मुझे याद है रेडियो ENIL, तो रेडियो मिर्ची के मैनेजमेंट से मेरी बात हो रही थी इस क्वार्टर में, डिमोनेटाइजेशन का इनको झटका मिला एड रेवेन्यूज में। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए भी जीएसटी की वजह से एड रेवेन्यूज पर काफी ज्यादा झटका बनता हुआ दिखाई देगा और वहीं पर सबसे ज्यादा जो बेनिफिट आता है या फिर प्रॉफिट आता है उधर से आता है। तो अगर आप कह रहे हैं खरीद के भूल जाइए, वो कब से रिटर्न्स देना शुरू करेंगे, कब से आपको लग रहा है वो बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिर एड रेवेन्यू बढ़ेगा? देखिए, अगर इम्पैक्ट आता है तो एंटरटेनमेंट नेटवर्क पे भी आना चाहिए, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट पे भी आना चाहिए और एचटी मीडिया पे भी आना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि आज के तारीख में एंटरटेनमेंट नेटवर्क 8 times द सेल्स है, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट 7 times द सेल्स है, तो इसे क्यों स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दी जा रही है? दूसरा, अगर आप देखो तो पिछले वर्ष यानी कि मार्च 2017 की बात कर रहा हूँ, रेडियो फीवर ने उसका ईबिटा जबरदस्त बढ़ा, करीबन 40 करोड़ का ईबिटा दिखाया है और उसका रेवेन्यू भी करीबन मेरे ख्याल से 30-35% बढ़ा है। तो मुझे कोई चिंता वाली बात नज़र नहीं आ रही है। प्लस इस साल उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री भी दी है और 7.5 रुपये का तो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का, आज के तारीख में 11 के प्राइसिंग अर्निंग पे मिल रहा है। बाकी सारी कंपनी आप देखो, कोई मिड कैप कंपनी भी आज 40-50 के प्राइसिंग पे मिल रही है। अभी कैनफिन होम्स अगर आप देखो, हाउसिंग फाइनेंस में है, उसका आप प्रॉफिट देखिए, आप मार्केट कैप देखिए, 30-35 के प्राइस अर्निंग पे ये सब स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो ऐसा कोई जबरदस्त रिटर्न देने नहीं वाले ये लेवल से। इनफैक्ट हमने देखा है कि 2007 में जो जिसने ये गलतियां की, ऐसे ऐसे स्टॉक्स ऊंचे भाव पे लिए, उसकी क्या हालत हुई है। आरकॉम 700 रुपये का भाव था, रिलायंस पावर का क्या भाव था और डीएलएफ का भाव देखिए आप, 1000 रुपये का भाव था, आज करीबन 200 रुपये में मिल रहा है, 80% डाउन है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है, आप देखो 300 रुपये का भाव था, आज करीबन 40 रुपये का भाव है। तो कहने का मतलब ये कि जो स्टॉक्स में बहुत ही मोमेंटम होता है, जो स्टॉक्स में बहुत ही फैंसी होती है, वो स्टॉक्स में ज़्यादातर लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए निवेश करते हैं और अल्टीमेटली अपने हाथ जला लेते हैं। उससे अच्छा क्वालिटी कंपनीज में निवेश करें जिसमें रिस्क कम है, रिवॉर्ड अच्छा है, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने 20-21% बनाया है, तो इससे ज़्यादा अपेक्षा करना बेवकूफ़ी होगी। अगर आप 18-20% का रिटर्न सालों ईयर ऑन ईयर बढ़ाते हो तो मेरे ख्याल से अपने आप से सेटिस्फाइड होना चाहिए आपको। बिल्कुल, लेकिन शर्त यह है कि लगातार बनाते रहें तो फिर आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे 20-30 साल में, अगर आप लगातार राजन और इनके जैसे एक्सपर्ट्स की एडवाइस मानते रहेंगे तो। लेकिन एक बात जो हम कुछ देर पहले कर रहे थे, हर्षता चर्चा कर रही थी कि एक बड़े ब्रोकरेज ने रिपोर्ट निकाली है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज उनको महंगी लग रही है। राजन, इसको अगर थोड़ा सा और स्ट्रेच करें, अगर आप निफ्टी बैंक की वैल्यूएशन इस समय देखें तो ये 3 times प्राइस टू बुक पे चल रहा है और पिछले 17 साल का डेटा मैंने देखा 2000 से लेकर अब तक, तो इस लेवल के ऊपर केवल एक बार गया है और वो 2007 के आखिर और 8 की शुरुआत में, जब मार्केट पीक आउट हो रहा था, और वो एक अगर हम मौका छोड़ दें तो कभी इस लेवल के ऊपर टिकता नहीं है। क्या ये पूरा का पूरा, दरअसल ये प्राइवेट बैंक्स हैं और NBFCs हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें, और इनफैक्ट अगर आप एक और इंडिकेटर देखें, डिविडेंड यील्ड इन बैंकिंग स्टॉक की, निफ्टी बैंक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें ये नज़र आता है कि इस तरह के लेवल इसके पहले बहुत रेयरली नज़र आते हैं। इस समय डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम हो चुकी है इनकी और प्राइस टू बुक पे ये महंगे लग रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये पूरे इस सेगमेंट पे इस रिपोर्ट को हम शायद एक्सटेंड कर सकते हैं? देखिए, मैंने ये रिपोर्ट तो देखा नहीं है, लेकिन जिस जो बात आपने कही उसके बेसिस पे एक चीज़ क्लियर है कि और प्लस ये जो मूवमेंट हमने देखी है पिछले करीबन 6 महीनों में मार्केट में और खास करके बैंकिंग स्टॉक्स में, हाउसिंग फाइनेंस में, एफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर गवर्नमेंट अभी एग्रेसिव हुई है, इसका रिजल्ट ये पहले कंपनियां प्रोजेक्ट लगाए, उसके बाद लोग उसमें घर खरीदे, उसके बाद फाइनेंस ले, उसके बाद उसमें सब चीज़ लगेगी, जैसे कि सैनिटरी वेयर स्टॉक्स को भी अभी अभी से चलने लगा है। सैनिटरी वेयर लगेगा आपको, घर अभी बनाना चालू करें तो 3 साल के बाद आपको ये प्रोडक्ट्स लगेगा, लेकिन वो स्टॉक्स भी चलाने चालू कर दिए।
तो ये मार्केट में कुछ क्रेजी मूवमेंट आ रही थी, तो एकदम फ्रेंजी स्टेट में चला गया था। तो मेरे ख्याल से ये सब एडवाइजेबल नहीं है। वैल्यूएशंस एक्सट्रीम जोन में चले गए थे सर्टन केसेस में, तो ये करेक्शन, ये 30-40% का ड्रॉप मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ 10-15-20% तक का करेक्शन आ सकता है। ये करेक्शन खास करके ये कैनफिन होम्स है या बाकी की कंपनियाँ, HDFC में मुझे नहीं लग रहा है कि ये 10% से ज़्यादा क्रैक होगा। लेकिन प्राइवेट बैंक्स और दूसरे NBFCs, देखिए अगर आप देखिए मेरी फेवरेट जो कंपनी है, जो मैंने आपके चैनल पे 272 में रिकमेंड की थी और 290 में महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, ऊपर में 390 का लेवल छुआ और अभी करीबन 395 से लेकर 335 आ गया है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक 300-320 के बीच में आएगा तो बहुत ही अच्छी लग रहा है, बिकॉज 6 साल में इसने अपना ब्रांच नेटवर्क डबल किया है, एम्प्लॉयज करीबन 75% बढ़ा है और अभी फोकस है रूरल इंडिया पे, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। सेकंडली इसकी 100% सब्सिडी महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस, जो बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है, तो इसकी तरफ इसमें अप्रिसिएशन जो दूसरे कंपनियों में हुआ है वैसा अप्रिसिएशन ये कंपनी में हुआ नहीं है, तो इसमें सेफ्टी एलिमेंट ज़्यादा है और अपसाइड आने वाले 5 से 10 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 20-25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप इसमें मिल सकते हैं। इसमें सेफ्टी एलिमेंट जा रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में कंपेयर टू अदर बैंक्स और मे बी अदर NBFCs। प्रदीप जी अगर आप रिकॉल करो तो फरवरी 2014 में वैलेंटाइन डे पे मैंने एक स्टॉक दिया था आपके दर्शकों को, बजाज फिनसर्व, तब मेरे ख्याल से इसका भाव था कुछ 700 रुपये का, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लोग बैंक 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 कर रहे, लेकिन बैंकिंग स्टॉक से ये स्टॉक ने आपको जबरदस्त रिटर्न दिया। आज करीबन 4,000 रुपये का भाव है, कितने साल हुए, 3-3.5 साल, मेरे ख्याल से 2013 या 2014 में 14 फरवरी को ये स्टॉक मैंने आपके चैनल पर रिकमेंड किया था, आज करीबन 4,000 का भाव। यानी हम बैंकिंग के ऊपर बात करते हैं लेकिन इंश्योरेंस ने जो रिटर्न दिया वो बैंकिंग स्टॉक्स ने दिया ही नहीं एक्चुअली। आप ये इनफैक्ट एक अच्छा एग्जांपल है कि जितना पेशेंट रहेंगे उतने पैसे कमाएंगे। मेरे ख्याल में बजाज फिनसर्व की बात कर रहे थे, बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर है 1400 के आसपास, बजाज फिनसर्व 4,000 या 3,500 पर लास्ट था, 4,100 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। कुछ और काउंटर्स जिस समय एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं उस पर आते हैं। विप्रो देखिए निचले लेवल से थोड़ा सा रिकवर करता हुआ, इसके साथ ही डॉक्टर रेड्डीज, HUL, औरबिंदो फार्मा, अंबुजा सीमेंट जैसे काउंटर्स हैं जहां पर निचले लेवल्स पर थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दिया है। और फार्मा वागले साहब के पोर्टफोलियो में है तो मैं उनसे नहीं पूछूंगी, कुणाल आप राय बताइए, 673 के आसपास नई खरीदारी क्या बनती है स्टॉक में? देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह का ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर है हर्षिता, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से ज़रूर खरीद सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 650 के रीजन में रखें तो मुझे लगता है इसमें आपको 710-715 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो मेरी राय में एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ज़रूर है। ओके, लेकिन इस बीच PTSD या STBT का वक्त आ चुका है। बाजार अगर आप देखें फिर से दिन के निचले स्तरों की तरफ सरकते हुए नज़र आ रहे हैं और लगता है फिर से दिन का लो कहीं हिट ना करे। 200 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक, 150 पॉइंट नीचे सेंसेक्स, 50 पॉइंट नीचे निफ्टी और ऐसे में कॉल्स। BTST अभी आ रही है नीरव अखारिया की तरफ से देखिए, और ITC दिग्गज चुना है इन्होंने 318 के टारगेट, 308 पे स्टॉप लॉस, लेकिन ACC पर इनका सेल कॉल है, 1646 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1618 के टारगेट के लिए ये ट्रेड करेंगे। साथ ही यहाँ पर दूसरे जानकारों की भी राय ले लेते हैं, नीरव वखारिया ने अपनी राय दी, कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल आप क्या पिडिलाइट पिक कर रहे हैं? बिल्कुल हर्षिता, मुझे लगता है कि पिडिलाइट में एक ब्रेकआउट है, एक आउट परफॉर्मेंस लगातार रही है इस काउंटर की और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 820 पे स्टॉप लॉस रखें, 850 इसका टारगेट होगा जो कि मुझे लगता है कि अर्ली नेक्स्ट वीक आपको देखना चाहिए। और इसके अलावा बिकवाली की मेरी राय है PFC में, जिसमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट पे दिख रहा है। मुझे लगता है एक्सपायरी के चलते यहाँ पे काफ़ी बड़ा चांस है कि आपको और गिरावट आते हुए दिखेगी, 119 तक फिसलने की संभावना है, 126 पर स्टॉप लॉस रखें। ओके, सिमी भौमिक की राय आपको बता देते हैं, कोलगेट पर इन्होंने बाय कॉल दी है, 1105 पे स्टॉप लॉस, 1135 और फिर 1140 के टारगेट। देखिए लगता है हमारे एक्सपर्ट्स को कि FMCG पे बुलिश होना चाहिए, पहले ITC अब कोलगेट। पावर ग्रिड भी इनकी बाय कॉल है, 202 पे स्टॉप, 208 और फिर 210 के टारगेट, लेकिन ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे, बीचों बीच ही है, 208 का टारगेट तो करीब ही है, 210 अभी भी शायद थोड़ी जगह यहाँ पर बन सकती है। वागले साहब STBT BTST
प्रदीप, एक बीटीएसटी एक एसटीबीटी, मैं पहले एसटीबीटी के साथ शुरुआत करूंगा क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा वीक है मार्केट, और ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें मैं बेच के जाने की सलाह दूंगा। इनफैक्ट मॉर्निंग में मेरा व्यू इसमें बुलिश था तो मैं ये व्यू रिवर्स कर रहा हूँ। 1386 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 1359, डेज लो या स्विंग लो तोड़ रहा है तो काफी बेरिश है। और बीटीएसटी के तौर पे मैं रिलायंस कैपिटल के साथ जाना चाहूंगा, मुझे इसमें स्ट्रेंथ दिखती है, काफी पॉजिटिव मूव है और जो कंटिन्यू हो सकती है ट्यूजडे को, तो 645 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 666। चलिए, ये फिलहाल ट्रेड्स हमारे जानकारों की ओर से आ रहे हैं। कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लिख रहा था जहां पर थोड़ा सा एक्शन आ रहा है निचले लेवल से। थायरो केयर में थोड़ा मूव देखने को मिल रहा है। पुंज लॉयड हालांकि 3% नीचे है लेकिन रिकवर करने की कोशिश इसमें बनती दिखाई दे रही है। आईटीडी सीमेंटेशन में भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रैक्शन। इनफैक्ट सीमेंट काउंटर्स में आप देखिए, चाहे वो अंबुजा हो, ग्रासिम, ये पूरा पैक है जो थोड़ा सा एक्टिव रहा है पिछले कुछ दिनों में। सिद्धार्थ, आपकी क्या राय रहेगी? हालांकि इस समय हम देखते हैं सीमेंट की सेल्स मॉनसून में थोड़ी ढीली पड़ जाती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और करेक्टिव मूव आए तो क्या अक्यूमुलेट करना शुरू करें अगली चाल के लिए जो पोस्ट सितंबर रहेगी? बिल्कुल, अभी सबसे अच्छा समय है सीमेंट कंपनियों को अक्यूमुलेट करने का, बट लार्ज कैप सीमेंट कंपनी को नहीं, मिड कैप सीमेंट कंपनी में अक्यूमुलेशन करना चाहिए। कंपनीज लाइक डालमिया भारत की, मंगलम सीमेंट, ये सारी कंपनियां बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर डालमिया भारत की बात करें तो एबिटा पर टन जो करीबन 1200 के आसपास था FY17 में, जो बढ़ के 1300 से 1365 हो सकता है, तो ये बहुत अच्छे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लेके चल रही है। 7 से 8% का वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हो सकती है ईस्ट और सदर्न पार्ट ऑफ द मार्केट में, तो ये ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वॉल्यूम की, ये बहुत ही अच्छी है। जनरली कहा जाता है कि सीमेंट की कंपनियों होती है इसमें जीडीपी से 1 से 1.5% ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ होना चाहिए, तब मानते हैं कि सीमेंट कंपनियां या सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट अभी जो देख रहे हैं 5 से 6% से ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है, इसीलिए हम मानते हैं कि लार्ज कैप स्पेस में वैल्यूएशन भी थोड़े स्टीप हैं, वॉल्यूम ग्रोथ भी उतने नहीं आ रहे हैं, तो मिड कैप सीमेंट के साथ जाए डालमिया भारत और मंगलम सीमेंट। ओके, टेक्स रेल एक स्टॉक है जहां पर हम देख रहे हैं पिछले कुछ मिनटों में करीब 2-2.5 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है, और उसके बाद आप देखिए यहां पे किस तरह की तेजी देखी जा रही है, तो जाहिर है कि राजन को भी स्टॉक में वैल्यू दिखाई दी और आप इंपैक्ट देख रहे हैं काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ा है टेक्स रेल का। इनफैक्ट अगर चार्ट पे नजर डाले कुणाल, क्या आपको लगता है कि ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर एक मौका बनता है, क्योंकि 100 रुपए से लगातार गिर रहा था और इस इतने वॉल्यूम के साथ खरीदारी पहली बार दिखाई दी है मुझे पिछले महीने भर में? बिल्कुल ठीक प्रदीप, मुझे लगता है कि देखिए 87-88 के रीजन में वैसे भी इसको एक सपोर्ट हासिल था और बिल्कुल उन्हीं स्तरों से हम इसमें एक बाउंस आते हुए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 95 तक जाने की संभावना काफी प्रबल है, तो खरीद करके चलें, स्टॉप लॉस 89 के रीजन में रखना होगा। ओके, ये टेक्स रेल पर राय। फार्मा कंपनियां थोड़ी सी ट्रैक्शन दिखा रही है, स्पेशली द बिग बॉयज डॉक्टर रेड्डी, सन, सिप्ला जैसे काउंटर्स में थोड़ा सा एक्शन अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग मूव इस समय इंडिया बुल्स रियल है, साथ ही तिलक नगर में भी हमने देखा है कच्चा उछाल बनता हुआ दिखाई दिया है दिन भर। इंडिया बुल्स रियल में कल की बिकवाली के बाद ये जो पुल बैक आ रहा है, वागले साहब जो ब्रीदर लेना था क्या ले लिया है स्टॉक ने, अब फिर से तेजी बरकरार रहेगी? हर्षद, बॉटम तो बन गया, जो कल का लो था आई थिंक दैट वाज अ काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट, आज ओपन होके वहीं से मुंह आई है, बट यहाँ पर फाइनेंशियल्स में इतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा क्योंकि 210 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो 5 रुपए के लिए अपसाइड मतलब नहीं बनता है। मैं 210 क्रॉस अगर हो जाता है ट्यूजडे को और फिर सस्टेन करता है, फिर 230-235 की तक की मूव की शुरुआत होगी, तो हम 210 के ऊपर ही कॉल लेंगे, फिलहाल वेट करते हैं। ओके, फिलहाल यहाँ पर इंतजार करने की राय है। हालांकि काफी इंटरेस्टिंग रहा है ये स्टॉक पिछले 2 दिनों का, अगर आप मूव देखें कल और आज के बीच में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई और उसके बाद हमने देखा कि कल ये तेज़ी से गिरा फिर रिकवर हुआ, और बाद में जैसे कि आंकड़े आए प्रोमोटर एंटिटी की ओर से ही शेयर्स बेचे गए थे, लेकिन 175 के आसपास कल इसने लो बनाया था और कल का हाई इसका 200 के ऊपर का था, वहाँ से ये गिरा 175 तक फिर रिकवर हुआ और अब 204-205 के लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये
कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है इंडिया बुल्स रियल की इस डील के चलते। कुछ और स्टॉक्स पे आइए इस बीच नज़र डालते हैं, जहां पर आज हम देख रहे हैं कि अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहे हैं। आखिरी मिनटों के दौरान काफ़ी शार्प मुनाफा वसूली देखने को मिली है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई थी। इनफैक्ट आप एवरेस्ट देखें या HIL देखें, जो पहले हैदराबाद इंडस्ट्रीज़ थी राजन, ये सारे जो एस्बेस्टस शीट वाले कंपनियां हैं, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है इन्होंने पिछले 3 महीने के अंदर, ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब आप क्या इस पर नज़र रखते हैं, कोई व्यू देंगे इसमें? एक्चुअली प्रदीप जी, अभी मैं थोड़े दिन पहले ही टाटा के वेबसाइट पे था और वहाँ पे उनका जो एक मैगजीन आता है वो पढ़ रहा था, तो उसमें उनके जो टाटा हाउसिंग के टॉप लेवल के किसी का इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि ये एफोर्डेबल हाउसिंग में ये जो प्री कास्ट फैब से आप घर बना सकते हो क्विकली, इनफैक्ट उन्होंने उसमें कहा कि 4-4 स्टोरे बिल्डिंग आप करीबन मेरे ख्याल से 4 महीने में बना सकते हो, इतना फास्ट आप एक बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो। तो ये चीज़ जरा मैं, मुझे इंटरेस्ट आया है एक्चुअली, इसमें डिटेल में मैंने स्टडी किया नहीं है, लेकिन जस्ट मैं ये अभी रिसेंटली, अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं ये इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से ये एवरेस्ट है और HIL जो आपने बताया वो कंपनी इसमें है, तो उसको देखना पड़ेगा एक्चुअली। आज तो यहाँ पर गिरावट है एवरेस्ट में कुणाल, चार्ट्स क्या कहते हैं एवरेस्ट और HIL दोनों के चार्ट देखिए। देखिए मुझे लगता है कि दोनों ही काउंटर्स में ओवरऑल एक अप ट्रेंड है प्रदीप, एक रेजिस्टेंस इस काउंटर के लिए एवरेस्ट की बात करें तो 380 के आसपास थी और बिल्कुल उन्हीं स्तरों से आप देख रहे हैं कि कुछ कंजेशन देखने को मिल रहा है, कुछ समय के लिए रुक गया है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है तो बने रहना चाहिए। हैदराबाद इंडस्ट्रीज भी मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, इसमें भी किसी भी गिरावट में खरीदने का ही मौके तलाशने चाहिए। सेल साइड की पोजीशंस जहां पर थोड़ी सी आज बढ़ती दिखाई दी है, इसमें ऑफ कोर्स शिपिंग कॉर्पोरेशन पिट रहा है, साथ ही आप देखिएगा डिग जैम जैसे काउंटर्स, एबी मनी जैसे काउंटर्स फिसलते हुए, एडलैब्स एंटरटेनमेंट भी काफी भागा था तो वहां पर भी एक ब्रेक लग रहा है। वागे साहब, क्या इन स्टॉक्स में अगर किसी की पोजिशन है वो काट लेनी चाहिए, निकल जाए? हर्षद आप स्टॉक्स रिपीट करेंगे? एडलैब्स एंटरटेनमेंट, डिग जैम, एडलैब्स नहीं, मैं समझता हूँ अभी भी व्यू पॉजिटिव है, यहाँ से भी मुझे लगता है थोड़ी अपसाइड होगी 93-94 की, और ये लास्ट 2 दिन से जो हम देख रहे हैं ये करेक्टिंग हुआ है, मुझे लगता है 78 का मैंने परसों या 2 दिन पहले स्टॉप लॉस बोला तो अभी भी इंटैक्ट है, तो मैं होल्ड करूंगा इसमें। ओके ये कार्बन ब्लैक स्टॉक अगर आप देखें, हमने देखा इस हफ्ते के दौरान बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिली, अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, गोवा कार्बन हो या फिलिप्स कार्बन हो, सिद्धार्थ क्या आपने इनको ट्रैक किया है, कोई व्यू रखते हैं? अब काफ़ी शार्प मुनाफा वसूली क्योंकि दिख रही है, आप देखिए आज ही फिलिप्स कार्बन करीब 5-5.5% के आसपास गिर चुका है, हालांकि अगर आप अभी भी पिछले शुक्रवार के मुकाबले देखें तो 8% ऊपर है, यानी पहले चढ़ा 13-14% और अब वहाँ से 5% गिरा है। बिल्कुल प्रदीप, हम मानते हैं कि फिलिप्स कार्बन एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मर है, हम मानते हैं यहाँ से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है, हमारा टारगेट प्राइस इसमें अचीव हो गया, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, पिछले 2 महीनों में बहुत ही अच्छा रैली देखने मिली है फिलिप्स कार्बन या पूरे कार्बन ब्लैक सेगमेंट में, और फिलिप्स कार्बन की बात करें तो हम मानते हैं कि 12-15% का एक रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड हो सकता है, 20% का प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ जो ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, हम मानते हैं कि टायर स्पेस से बहुत अच्छा डिमांड आ सकता है जो कार्बन ब्लैक यूज़ करती है, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, बट यहाँ पर रनअप अगर जैसे मैंने कहा 2 महीनों में बहुत अच्छा रनअप देखने मिला है, तो ये जो करेक्शन 5-6% की जो आज देख रहे हैं ये मोर ऑर लेस रीजनेबल है, मैं मानता हूँ कि और भी ज़्यादा थोड़ा करेक्शन अगर इसमें मिले तब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आउटलुक सेक्टर का बहुत अच्छा है, बट ये दामों पे, ये प्राइसेस पे नहीं, थोड़े निचले लेवल पे लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा। दिग्गजों में ऑटो पर मेरी नजर गई है और इनफैक्ट हमने देखा है सुबह से स्पेस अंडर परफॉर्म कर रहा है, राजन आपकी क्या राय रहेगी स्पेशली टाटा मोटर्स जैसे शेयर पर? आज हम CLSA की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, 405 के टारगेट की वो बात कर रहे हैं, हालांकि ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने कहा है कि नए लॉन्चेस स्पेशली JLR फ्रंट पर जो आएंगे वो ड्राइवर साबित होंगे स्टॉक के लिए, लेकिन 443 के आसपास क्या महंगा है? अच्छा, ऑटो स्पेस में खास करके दिग्गज शेयरों में हमारा टॉप पिक है महिंद्रा एंड महिंद्रा,
हमने आपके चैनल पे 2,2100 रुपए का टारगेट दिया है, अभी वो टारगेट बहुत ही एम्बिशियस लग रहा है बिकॉज यहाँ से 50% अपसाइड की हमने बात की है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये 12 महीनों में ये भाव आ जाएगा महिंद्रा महिंद्रा का। इस साल हमारा अंदाज है कि जिस तरह की कमेंट्री मैनेजमेंट ने दी है और जिस तरह से रूरल इकोनॉमी पीक पर होगी, तो मुझे लग रहा है कि इस साल महिंद्रा एंड महिंद्रा लास्ट ईयर 69 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर दिखाया था, इस साल करीबन 80 रुपये का दिखाएगा। 25 के प्राइस अर्निंग पे 2,000 रुपये का भाव होना चाहिए, और 25 का प्राइस अर्निंग मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मारुति आज 25 के प्राइस अर्निंग पे चल रहा है, टेल्को आज करीबन 22-23 के प्राइस अर्निंग पे चल रहा है, और महिंद्रा को देना जरूरी है बिकॉज महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेरे ख्याल से बहुत ही एग्रेसिव होगा। ऑलरेडी उनके एक दो मॉडल है आज मार्केट में, लेकिन आने वाले 2-3 साल में आप एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखोगे खास करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। और दूसरा उसका जो फार्म इक्विपमेंट बिजनेस है जिसमें वो अभी ट्रैक्टर में उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, लेकिन उस पर काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स उन्होंने अभी मिच्छुमिच्छी कॉरपोरेशन जापान के साथ उन्होंने मार्केट में लॉन्च किए, जैसे कि राइस ट्रांसप्लांटर्स, हार्वेस्टर्स, सीड फीडर्स, ये सब इसमें भी काफ़ी एग्रेसिव हम देखेंगे अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स जिससे फार्मर को कन्वीनियंस होगी यू नो प्रोड्यूस ये लेने में। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो 100% सब्सिडी है महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन, इसका ग्रोथ इसका 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, आने वाले 3 साल में इसका टर्नओवर 4,000 करोड़ का होने वाला है, ये अशोक शर्मा जी ने इंटरव्यू में कहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऑन ऑल पैरामीटर्स ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो है वो इस ऑल सेट फॉर एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ। 2,000 रुपये का टारगेट हमारा नेक्स्ट जुलाई तक का है, जून जुलाई तक का। ओके, चलिए फिलहाल हम बाजार के आखिरी मिनटों में पहुंच चुके हैं, इस हफ्ते का ट्रेड पूरा होने ही वाला है, और इस वक्त हम आपको बताएं किन स्टॉक्स ने इस हफ्ते के दौरान अच्छा परफॉर्मेंस दिया या कमज़ोर हुए उन पर नज़र डालें। इंडेक्स के लिहाज से तो टाटा पावर काफ़ी अहम होगा, जहां पर एक इंटरेस्टिंग ऑफर इन्होंने दिया, 1 रुपये में अपनी हिस्सेदारी ये बेचना चाहते हैं मुंद्रा में सरकार को, और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवी वेट रहा जिसने करीब 3% का उछाल दिखाया। इंडेक्स के लिहाज से कमज़ोर रहने वाले स्टॉक BPCL और गेल, ऑयल एंड गैस सेक्टर की दो कंपनियाँ। इसके अलावा लुपिन, जहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशन आए हैं इनके प्लांट को लेकर, और उसका असर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखें इस हफ्ते के दौरान उजास एनर्जी, एपटेक, सेंट्रल बैंक, डेल्टा कॉप, फोर्टिस हेल्थ केयर, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। फोर्टिस तो दरअसल आज ही इतनी ज़्यादा गिरावट देखी है इसने कि हफ्ते दर हफ्ते भी सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वालों में शामिल हुआ, लेकिन बढ़ने वाले स्टॉक्स इस हफ्ते के लिए। और इसमें आप नज़र डाल सकते हैं JP एसोसिएट्स पे, जहाँ पर हमने करीब करीब 30% की मजबूती देखी है इस पूरे हफ्ते में। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशंस करीब 12% का उछाल आया है निचले लेवल से, हालांकि अभी 20-21 पर है तो अंदाज़ा नहीं लगता कि जितना सुधरा है। GMR इंफ्रा, रिलायंस डिफेंस, कॉक्स एंड किंग्स, तो EDAG में आप आर कैप भी देख सकते हैं। EDAG के लिए कुल मिलाकर ये हफ्ता बेहतर रहा है ऐसा लगता है। और आज फिलहाल हम आ चुके हैं अंतिम दौर में क्लोजिंग का वक्त, 9572 यानी 9580 कम से कम, जो हम सोच रहे थे कि इसके ऊपर तो बंद हो जाए वो नहीं होगा। पिछले स्विंग लोज हमने आज छुए, 9560 के करीब गए थे, इसके नीचे जाकर बंद नहीं हो रहे, शायद इतनी राहत है। मिड कैप भी 17600 के आसपास के लोज भी तोड़ने के बाद अब ऊपर आया है और 17687 पर बंद हो रहा है। निफ्टी बैंक 23540 के आसपास बंद हो रहा है, 125 पॉइंट नीचे। सेंसेक्स की भी क्लोजिंग होती हुई, कुल मिलाकर अगर हम इस क्लोजिंग को देखें, वागले साहब क्या कहेंगे, आपको कैसी लगती है ये क्लोजिंग, क्या अगले हफ्ते और गिरावट के संकेत हैं या सपोर्ट लेवल्स होल्ड हैं, चिंता ना करें? नहीं प्रदीप, मेरा इनफैक्ट कल ही मैंने कहा था कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है 9550 की मैं बात कर रहा हूं अगर वो होल्ड करता है, बट जिस तरह से आज निफ्टी बंद हुआ है मैं ज्यादा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और अगर 9550 ब्रेक होता है तो मैं और एटलीस्ट 100 से 120 पॉइंट नीचे की बात करूंगा, तो ये मेरे लिए स्ट्रेंथ या पॉजिटिविटी के संकेत नहीं है। ऊपर में तो 9700 एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना है, तो शायद तो क्या पता हम 9500 की तरफ की मूव की शुरुआत है, शायद 9450 भी जा सकता है, तो थोड़ा सा हल्का सा 30-40-50 पॉइंट ऊपर में मिलता है नियर 9600 लेवल्स, 9630 लेवल्स आई थिंक बेच के चलना चाहिए हमको, सुनर देन लेटर 9480-9450 तक की मैं बात करूंगा।
ओके राजन, अगर आप देखें इस समय सबसे ज़्यादा जो लोगों को इंटरेस्ट है और काफ़ी दोनों तरफ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं जिन स्टॉक्स में, वो ऐसी कंपनियां हैं जिनसे वसूली के लिए आरबीआई ने बैंकरप्सी की तैयारी की है। क्या उस पूरे स्पेस में आप जब देखते हैं भूषण, मोनेट, एबीजी या जेपी इंफ्रा, आपको कुछ पसंद आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रदीप जी। एक्चुअली जेपी इंफ्रा, जीएमआर, जीवीके, हाँ जीएमआर के केस में डेट अदा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका स्टॉक भी डबल हो गया है। भूषण स्टील, ये सब कंपनीज में पढ़ने से बेटर है कि अगर आपको ऐसा डेट लेडन कंपनी भी लेना है तो ऐसी कंपनी लीजिए जिसमें ये इशू है लेकिन ज़बरदस्त प्रमोटर है, जैसे कि टाटा पावर। करीबन 50,000 करोड़ का डेट है लेकिन ये कंपनी का मैनेजमेंट ने तय कर दिया है कि आने वाले 12 महीनों में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट वो ये करेंगे, बेचेंगे, उससे डेट कम करेंगे। प्लस मुंद्रा का प्लांट भी 2.5 साल में, आपके चैनल के साथ ही इंटरव्यू में अनिल सरदारजी ने कहा था कि 2.5 साल में हम 2.5-3 साल में इसे टर्न अराउंड करेंगे। और कल पेपर में रिपोर्ट आया कि वो मुंद्रा में 51% स्टेक ऑफर करने के लिए तैयार है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, हरियाणा और जहाँ से जो पावर खरीदते हैं। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी टाटा पावर, ये डिफेंस में भी बहुत ही बड़ा प्लेयर होगा। लेकिन आज टाटा पावर वही लेवल पे है जो लेवल पे ITC और HUL दिसंबर 2007 में थे। दिसंबर 2007 में ITC और HUL लगाड्स थे, कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा था, 190 रुपये का भाव था। लेकिन अगर उस वक्त आपने अपना जो टेम्पटेशन है मार्केट में रिलायंस कॉम और DLF के प्रति कम किया होता और ये लगाड्स में इन्वेस्ट किया होता तो उसके बाद 7 साल में आपने फॉर्च्यून बनाया होता, बिकॉज ये सब स्टॉक्स लीवर 200 रुपये वाला 1100 रुपये आ गया आज। वैसे ही आज टाटा पावर है, आज इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अगर आप आज लोगे टाटा पावर तो आने वाले 3-5-7 साल में आप देखोगे कि ये कंपनी आपको क्या रिटर्न देती है। चलिए, वक्त है फिलहाल इजाज़त लेने का आप सभी से। राजन, सिद्धार्थ, कुणाल और वागले साहब, हमने काफ़ी बाजार की सीरियस बातें तो कर ली लेकिन अब मस्ती का वक्त हो चुका है और वीकेंड मस्ती के लिए अनिल जी देखिए स्टूडियो में आ भी चुके हैं। बिल्कुल स्टूडियो में और एकदम प्रदीप के साथ मैं तैयार हूँ बस इस शो को शुरू करने। मैं जाता हूँ भारत भर में कुर्सी खींचने के लिए तैयार है। नहीं प्रदीप, आपके साथ फेसबुक लाइव करेंगे, लेकिन प्रदीप आज इस वीकेंड पर काफ़ी कुछ करने के लिए और वीकेंड भी लंबा है। बिल्कुल, तो बस इस छोटे से ब्रेक के बाद ट्यूबलाइट के अलावा भी, बिल्कुल ट्यूबलाइट के अलावा और क्रिकेट है, इवेंट्स हैं, खाने पीने के कई सारे मौके हैं, फेस्टिवल सीजन है, तो ईद है, ईद है, बिल्कुल बिल्कुल मोर देन दैट ईद है। चलिए सब कुछ होगा लेकिन एक ब्रेक के बाद।